हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिंट फॉर्मेटिंग। ओके, सो प्रिंट फॉर्मेटिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है बाय यूजिंग, मैं इसको कमेंट में लिख देता हूँ, बाय यूजिंग फॉर्मेट मेथड। एंड दूसरा मेथड है बाय यूजिंग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन लिटरल। सो हमारे दो तरीके हैं, पहला फॉर्मेट और दूसरा एफ लिटरल भी इसको बोलते हैं, इसको हम एफ लिटरल भी बोलते हैं। सो इन दोनों के बारे में बारी बारी बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रिंट फॉर्मेटिंग होता क्या है। सपोज एक वेरिएबल है नेम और आपने इसमें इस नाम स्टोर किया जैसे राजीव। अब मुझे प्रिंट करना है हेलो राजीव। सो मैं कैसे प्रिंट करूंगा? प्रिंट, मैं एक मैसेज दूंगा डबल कोटेशन में हेलो, एंड देन अब हमें नेम वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, राइट? तो उसके लिए कॉमा एंड नेम, रन करते हैं इसको, हमारा आउटपुट आ गया हेलो राजीव। सो अगर इसी को हम प्रिंट फॉर्मेटिंग बेसिकली कहते हैं, बट इसी को अगर हमें फॉर्मेट, पहले मेथड की हम बात करते हैं जो फॉर्मेट था उससे करना हो तो कैसे करेंगे? सो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट देन डबल कोटेशन में हेलो, और जहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू हमें चाहिए वहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज दे देंगे। देन डबल कोटेशन से निकलने के बाद डॉट फॉर्मेट, और कर्ली ब्रेसेस में जो वैल्यू पुट करनी है वो हम फॉर्मेट में पास कर देंगे। सो जैसे हेलो में हमें क्या, हेलो के बाद हमें क्या चाहिए? नेम की वैल्यू चाहिए, सो नेम। ओके, अब इसको रन करते हैं। सो देखो हेलो राजीव, आगे देखते हैं इसमें। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है एज और इसमें स्टोर है 27, राइट? हमें प्रिंट करना है राजीव इज 27 ईयर्स ओल्ड। सो कैसे करेंगे? प्रिंट सबसे पहले नाम राजीव जो कि नेम वेरिएबल में है, तो कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज इज, उसके बाद राजीव इज 26 ईयर्स, तो 27 ईयर, तो 27 है किस में? है एज में, तो इज के बाद हमें एज वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो कर्ली ब्रेसेस, सो राजीव इज 27 ईयर्स ओल्ड, राइट? फिर डबल कोटेशन से बाहर निकलने के बाद डॉट फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में पहली कर्ली ब्रेसेस में किस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए हमें? नेम कॉमा, दूसरे कर्ली ब्रेसेस में किस वेरिएबल का वैल्यू चाहिए हमें? एज। फाइन, अब हमारा जो फॉर्मेट फंक्शन में जो वैल्यू पास करते हैं उसका भी इंडेक्स होता है। सो जो पहला वैल्यू हमने पास किया है नेम, उसका इंडेक्स होगा 0, एंड दूसरा वैल्यू एज, इसका इंडेक्स होगा 1। सो जो 0 इंडेक्स पे वेरिएबल है नेम, उसका वैल्यू आके स्टोर हो जाएगा पहले कर्ली ब्रेसेस में, एंड जो दूसरा 1 इंडेक्स पे जो हमारा वेरिएबल है एज, उसकी वैल्यू आके स्टोर हो जाएगा सेकंड कर्ली ब्रेसेस में, राइट? तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा? राजीव इज 27 ईयर्स ओल्ड। रन करते हैं, सी दिस इज योर आउटपुट, राजीव इज 27 ईयर्स ओल्ड, राइट? एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रिंट, और मैं यहाँ पे देता हूँ द, फिर तीन ब्रेसेस देता हूं मैं क्योंकि मुझे यहाँ तीन वैल्यू चाहिए, देन डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट में मैं तीन वैल्यू दे देता हूँ। मैं हमें यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, तो पहला मैं दे देता हूँ ब्राउन, दूसरा क्विक, एंड थर्ड फॉक्स। इसको भी सिंगल या डबल कोटेशन में कर देंगे। रन करते हैं, आउटपुट क्या आया? द ब्राउन क्विक फॉक्स, राइट? हो क्या रहा है यहाँ पे? 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है ब्राउन, वो जाके कहाँ स्टोर हो जा रहा है? पहले कर्ली ब्रेसेस में। जो दूसरे इंडेक्स पे वैल्यू है 1 इंडेक्स पे क्विक, वो जाके कहाँ स्टोर हो जा रहा है? दूसरे कर्ली ब्रेसेस में। और जो 2 इंडेक्स पे वैल्यू है फॉक्स, वो जाके कहाँ स्टोर हो जा रहा है? तीसरे कर्ली ब्रेसेस में, राइट? सो इसमें एक और तरीका है, हम चाहें तो की का भी यूज कर सकते हैं। की क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ ए असाइन विथ ब्राउन, बी असाइन विथ क्विक,
एंड सी असाइन विथ फॉक्स. सो अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम की दे सकते हैं, ये जो हमारा हमने वैल्यू स्टोर किया है वेरिएबल में, इसको की वैल्यू पेयर बोलते हैं. जिसमें वैल्यू स्टोर हो रहा है ए में स्टोर हो रहा है, तो ए को क्या बोलेंगे, की. और जो वैल्यू स्टोर हो रही है ब्राउन, ये हमारी वैल्यू हो गई. उसी तरह दूसरे वाले में कॉमा के बाद जो दूसरा है, बी क्या है हमारा, की है. क्विक क्या है, वैल्यू है. सो सपोज पहले कर्ली ब्रेसेस में हम बी की वैल्यू चाहते हैं क्विक, तो यहां लिख देंगे बी. दूसरे कर्ली ब्रेसेस में हम ए की वैल्यू चाहते हैं, तो यहाँ ए. एंड थर्ड कर्ली ब्रेसेस में हम सी की वैल्यू चाहते हैं, तो यहाँ सी. सो अब आउटपुट क्या आएगा, अब पहले कर्ली ब्रेसेस में पहला ए नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे की दे रखा है बी, तो बी की वैल्यू आएगी यानी क्विक. दूसरे कर्ली ब्रेसेस ए में अगेन दूसरा नहीं आएगा, ए में जिसका की ए होगा वो वैल्यू आएगा यानी क्या आएगा, ब्राउन. देन सी में क्या आएगा, फॉक्स. रन करते हैं, देखो द क्विक ब्राउन फॉक्स. सो ए था हमारा फॉर्मेट मेथड. अगर आपको नंबर भी प्रिंट करना है, जैसे हमारा एक नंबर है ए, इसमें मैं 10 ले लेता हूँ, एंड बी है इसमें मैं 20 ले लेता हूँ, राइट. अब अगर दोनों को मुझे ऐड करके रिजल्ट प्रिंट करना है, सपोज आउटपुट ऐसे चाहिए हमें, सम ऑफ 10 एंड 20 इक्वल्स, जो भी आउटपुट हो अगर दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 30. सो सपोज हमको इस फॉर्म में आउटपुट चाहिए, तो हम क्या करेंगे. सो अगेन एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम सी, सी में ए और बी को ऐड करके स्टोर कर लेते हैं, राइट. एंड उसके बाद प्रिंट, और प्रिंट में क्या चाहिए हमें आउटपुट. सो पहले मैसेज सम ऑफ, उसके बाद ए की वैल्यू चाहिए, तो कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, देन कॉमा, फिर कर्ली ब्रेसेस, सॉरी मैं यहाँ एंड लगा देता हूँ, एंड देन बी की वैल्यू चाहिए, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, देन इक्वल्स टू, देन दोनों को ऐड करके जो टोटल है वो चाहिए, तो फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और फिर उसके बाद डॉट फॉर्मेट. पहले कर्ली ब्रेसेस में किसकी वैल्यू चाहिए हमें, ए की, दूसरे में बी की, और तीसरे में सी की, जिसमें ए और बी को ऐड करके हमने सम स्टोर किया. सो आउटपुट देखो, सम ऑफ 10 एंड 20 इक्वल्स टू 30. अब वैल्यू चेंज कर दो, ए की वैल्यू 100 कर दो, बी की वैल्यू 22 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देखो सम ऑफ 100 एंड 222 इक्वल टू 322, राइट. तो ये था हमारा फॉर्मेट फंक्शन जिससे हम प्रिंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. दूसरा हमारा जो प्रिंट फॉर्मेटिंग का तरीका है उसको बोलते हैं हम एफ लिटरल. एफ लिटरल का कैसे यूज करते हैं, एफ लिटरल को हम फॉर्मेटिंग लिटरल भी बोलते हैं. तो जैसे हमें प्रिंट करना है, अगेन मैं नेम वेरिएबल जो था एन में, इस बार मैं नेम स्टोर कर लेता हूँ. सो नेम सपोज है हमारा अनुज, राइट. हमें प्रिंट करना है हेलो अनुज. सो मैं ऊपर हेडिंग भी डाल देता हूँ, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं. सो एफ लिटरल, एफ लिटरल से कैसे हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे. सो हम लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के बाद एफ, और एफ के बाद सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन ओपन क्लोज, और जो भी लिखना है सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे. जैसे हमें क्या प्रिंट करना है, हेलो राजीव. सो हेलो, हेलो के बाद क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, सॉरी हेलो अनुज प्रिंट करना था ना. सो हेलो के बाद क्या चाहिए, एन की वैल्यू, तो कर्ली ब्रेसेस पहले की तरह ओपन क्लोज, बस इस बार कर्ली ब्रैकेट में ही वैल्यू लिख देंगे. तो अभी हमें एन की वैल्यू चाहिए, तो एन, ये देखो आउटपुट हेलो अनुज, राइट. अब जैसे ऊपर हमने जो प्रिंट किया था, एक बार हम ऊपर देख लेते हैं, राजीव इज 27 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं अनुज इज 30 ईयर्स ओल्ड. सो एक वेरिएबल में एन में हमारा अनुज है, और एक वेरिएबल में ए ले लेता हूँ जिसमें एज में 30 स्टोर कर लेता हूँ. हमें क्या प्रिंट करना है, अनुज इज 30 ईयर्स ओल्ड. सो एफ लिटरल से कैसे करेंगे, प्रिंट एफ देन सिंगल कोटेशन ओपन क्लोज, और इसके अंदर सबसे पहले अनुज हमें चाहिए जो किस वेरिएबल में है, एन में. सो कर्ली ब्रेसेस इसमें एन, देन इज, सॉरी देन इज 20 30, तो 30 किस में है, ए में. सो अगेन कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज ए. So, years, then old. Run करते हैं. See, Anuj is 30 years old. So, F literal से इस तरीके से हम formatting कर सकते हैं. हम चाहें तो direct value भी दे सकते हैं, right? जैसे friend, हालांकि इसका कोई मतलब, कोई sense नहीं बनेगा. जैसे अगर हम चाहें यहाँ पे, तो F single quotation open close, इसके अंदर हम दे सकते हैं to smallest even numbers are
सो कर्ली ब्रेसेस में पहला टू, देन कॉमा, दूसरा हमारा थ्री, रन करते हैं। सो सी टू स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स है टू एंड थ्री। आप चाहो तो इसको वेरिएबल में स्टोर करके भी दे सकते हो, राइट? जैसे हमारे पास दो वेरिएबल है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया x, इसमें स्टोर कर लिया 2, एंड दूसरा वेरिएबल ले लिया मैंने y और इसमें स्टोर कर लिया 4। सॉरी मैंने यहाँ पे इवन नंबर में गलत दे दिया, 3 इवन नंबर नहीं होगा, 4 होगा, आई एम रियली सॉरी। सो यहाँ पे y में 4 स्टोर कर लेते हैं, एंड देन हम चाहें तो यहाँ पे पहले में क्या पास कर देंगे x, एंड दूसरे में क्या पास कर देंगे y, रन करते हैं। सो सी टू स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स है 2 एंड 4। और डेटा स्टोर करने का एक मैं शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, पहले के वीडियोज़ में मैंने बताया है। सो x और y में वैल्यू स्टोर करना है, सो x कॉमा y असाइन विथ, x में क्या चाहिए 2, देन कॉमा y में क्या चाहिए 4। अगर सपोज तीन वेरिएबल होता तो x कॉमा y कॉमा z, और सपोज थर्ड वेरिएबल में 6 चाहिए, राइट? तो ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं एक और वैल्यू को, सो इसमें मैं कर देता हूँ z को, और यहाँ पे मैं 2 को मैं क्या कर देता हूँ 3, THRWE प्रिंट करते हैं। सो 3 स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स है 2, 4 एंड 6। सो थैंक यू, वी आर डन विथ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, राइट, प्रिंट फॉर्मेटिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया आपके पाइथन के जर्नी में, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड वीडियो को लाइक करो। सो थैंक यू।